Hey everyone, good morning to all guys. हेलो, तब जाग गए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, उठो उठो एवरीवन। चलो सो लेट मी लॉग इन योर ऑर्ग फर्स्ट। सो टिल नाउ आई थिंक वी हैव क्रिएटेड अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इन फॉर आवर रेडिकल एप्लीकेशन। आई होप एवरीवन, सबको क्लियर होगा ये, राइट? कोई ऐसा है जिसको अभी भी कोई भी डाउट? गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। अभी भी कोई कंफ्यूजन हो, आपने डेवलपमेंट किया, इफ यू आर गेटिंग एन इशू, कहीं पे आप स्टक हो गए, यू कैन आस्क। एनीवन? नहीं, चलो कोई नहीं, इट्स वेरी गुड। नाउ जस्ट लाइक वी हैव स्टूडेंट, अभी यहाँ पे क्या आप देखो, स्टूडेंट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन तो करेगा डेफिनेटली। हियर वी हैव स्टूडेंट्स, सो यू कैन प्रोवाइड द कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हो, कौन से स्टेट से प्रोवाइड कर सकते हो, कौन से सिटी से प्रोवाइड कर सकते हो, फाइन। नाउ वन थिंग हियर वी हैव टू मेक द चेंज, हियर वी हैव द स्टेट। सो व्हेन आई एम चूजिंग द स्टेट महाराष्ट्र, सो आई वांट द सिटी शुड बी ओनली पुणे एंड मुंबई, इट शुड बी अवेलेबल। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे व्हाट, इफ आई विल सेलेक्ट ओनली फॉर मध्य प्रदेश, आई एम ओनली लुकिंग फॉर भोपाल एंड इंदौर, बिकॉज अननेसेसरी मेरे पास पुणे, मुंबई, लखनऊ भी आ रहा है। सो फॉर मध्य प्रदेश, इफ आई एम गोइंग फॉर लखनऊ, दैट इज नॉट ए वैलिड रिकॉर्ड, इट्स ए इनवैलिड रिकॉर्ड, यू कैन से। राइट एवरीवन, इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। फाइन, सो इसके लिए, सो फॉर दैट इट्स अ वेरी गुड। अभी अगर आपके पास कोडिंग, आपको कोडिंग करना होता तो डेफिनेटली यू हैव टू राइट मल्टीपल इफ एंड एल्स कंडीशन की कोडिंग लिखनी पड़ती है आपको, क्योंकि अगर आपका चेक करते हैं पहले, अगर इफ स्टेट इक्वल टू महाराष्ट्र, इफ स्टेट इक्वल टू महाराष्ट्र, देन इन महाराष्ट्र यू हैव टू गो फॉर पुणे एंड मुंबई, देन अगेन वी हैव टू गो फॉर एल्स इफ स्टेट इक्वल्स टू मध्य प्रदेश, वी हैव टू गो फॉर भोपाल एंड इंदौर, अगेन वी हैव टू गो फॉर एल्स इफ we have to check for Uttar Pradesh, then we have to go for this list, Lucknow here we have. Fine? So like multiple if else condition aapko likhne hote code mein. But in Salesforce, they have given a very best functionality here. Without writing any code, you can just use the field dependency. So let me go there. Let me start from here. So we can use the field dependency. फील्ड डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट। तो फील्ड डिपेंडेंसी में क्या होगा, कौन सा फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, इफ यू कैन सी हियर कि यहां पे आप बताओ एवरीवन, सिटी स्टेट पे डिपेंड करेगा या स्टेट सिटी पे डिपेंड करेगा, क्या लगता है आपको? कम ऑन, सिटी स्टेट पे डिपेंड करेगा या स्टेट सिटी पे डिपेंड करेगा, कम ऑन, कौन किस पे डिपेंडेंट है? सिटी स्टेट पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली बात ना, सिटी स्टेट पे, कि जो मैं स्टेट लूंगा एग्जैक्टली उसकी सिटीज ही अवेलेबल होनी चाहिए। सो दैट्स वाई इफ यू कैन गो फॉर फील्ड डिपेंडेंसी, यहाँ पे दो आपके ऑप्शन आते हैं, एक होता है आपका कंट्रोलिंग फील्ड और दूसरा होता है डिपेंडेंट फील्ड। तो ऑब्वियसली बात है, कंट्रोल कौन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है स्टेट, तो स्टेट विल बी कंट्रोलिंग फील्ड। Depend कौन है? It will be a city. City will be depending on state. So that's why here we'll get dependent field में city. अब ये develop कैसे करेंगे field dependency? So for every object we have this option. सबसे पहले इस जो भी हमने student को बनाया है, उसको हम edit करेंगे। कैसे edit करते हैं? इसको edit करने के लिए we have to go for this gear icon. यहाँ पे आप click करोगे edit object पे. Fine. Once you have clicked on the edit object, आप आ गए ऑब्जेक्ट के एडिट पेज पे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास fields and relationship, second option. It's fields and relationship. Click on that fields and relationship. और यहाँ पे जाके you can see option field dependencies. यहाँ पे ऑप्शन है, here we have field dependencies. Click on that field dependency. जैसे मैंने क्लिक किया field dependency पे, this page will be open. And here we have the option to click on new button. So we have to create our new field dependency. So let's click on that. हमने क्लिक किया इस पे. Now here we are asking कि controlling field कौन होगा, dependent field कौन होगा. तो हमें पता है
कंट्रोलिंग फील्ड कौन होगा? इट विल बी अ स्टेट, विल बी अ कंट्रोलिंग फील्ड. डिपेंडेंट फील्ड कौन होगा? इट विल बी अ सिटी, विच विल बी अ डिपेंडेंट फील्ड. एंड देन लेट्स क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू. वंस वी डू द कंटिन्यू, यू कैन सी अगर स्टेट, मैंने क्या बोला, अगर स्टेट जो होगा आपका महाराष्ट्र हुआ तो उसके सिटीज कौन कौन से होंगे? सो द सिटीज विल बी, लेट्स से दैट विल बी पुणे, मुंबई, नासिक. अगर स्टेट आपका मध्य प्रदेश, कंट्रोल दबा के कंट्रोल को प्रेस करना है, स्टेट इक्वल टू मध्य प्रदेश होगा, कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करो, भोपाल, इंदौर. अगर स्टेट आपका उत्तर प्रदेश होगा, वी हैव टू गो फॉर लखनऊ. और जैसे ही आपने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, यू कैन सी इट्स इन द ब्लू कलर, देन वी कैन गो, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्लूड वैल्यूज, क्लिक ऑन दिस इंक्लूड. सो ये आपके लाइट ब्लू से लाइट येलो कलर में इट विल बी कन्वर्ट, इट मींस यू हैव सेलेक्टेड दिस वैल्यूज एंड जस्ट क्लिक ऑन दैट, सेव नाउ. सेव कर लो. सेव करने के बाद यू कैन जस्ट गो एंड रिफ्रेश दिस पेज. यू जस्ट कैन जस्ट गो एंड रिफ्रेश दिस पेज, एक बार रिफ्रेश कर लो. रिफ्रेश करने के बाद इफ आई विल गो एंड चेक फॉर माई फंक्शनैलिटी, लेट्स क्लिक ऑन दिस न्यू बटन एंड सी, अभी सिटी में सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहा. आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट सिटी. वाई? बिकॉज स्टेट इज नॉट सेलेक्टेड. अभी मैं यहाँ पे स्टेट ले लूंगा, वॉट? महाराष्ट्र. देन आई कैन गो सिटी एंड सिटी विल बी ओनली पुणे, मुंबई एंड नासिक इज अवेलेबल. इफ आई विल गो फॉर मध्य प्रदेश, देन द सिटी विल बी वॉट? भोपाल एंड ओनली इंदौर इज अवेलेबल. दैट इज करेक्ट. इफ आई विल गो फॉर उत्तर प्रदेश, यूपी, सो यू कैन सी ओनली लखनऊ इज अवेलेबल. सो नाउ अकॉर्डिंग टू आवर स्टेट सेलेक्शन वी आर गेटिंग द लिस्ट ऑफ सिटीज. सो यही तो हम एक्चुअली, अब किसी भी ऐप में आप जाते हो, इवन इफ यू कैन गो टू फिल योर आधार कार्ड, मे बी पैन कार्ड, मे बी पासपोर्ट और एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो भी आप फिल करते हो, दिस ऑप्शन वी ऑलवेज यूज टू ऑलवेज यूज देयर. बट सी क्लाउड पे कितना इजीली बन गया, कोई कोड रिक्वायर्ड नहीं है. वी जस्ट रिक्वायर्ड द फील्ड डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट. सो गाइस, स्टिल हियर? एनीवन हैज एनी क्वेरी, लेट मी नो. कम ऑन एवरीवन, कुछ पूछना है? यस और नो? जस्ट गिव मी कंफर्मेशन गाइस, ताकि हम आगे बढ़े. कम ऑन, कम ऑन, डोंट हेजिटेट. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क. चलो, दैट्स वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं अब. सो जस्ट लाइक हियर वी हैव, जैसे कि हमने बनाया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, वैसे ही ऑब्वियसली बात है ना, अभी यहाँ पे कोई कैंडिडेट आता है एंड ही इज लुकिंग फॉर अ टेक्निकल कोर्स, सेल्सफोर्स, लेट्स से. तो ऑब्वियसली लेट्स से रेडिकल्स के पास सेल्सफोर्स के 3 ट्रेनर है. ऑब्वियसली बात है ना, एवरी इंस्टीट्यूट हैज मल्टीपल ट्रेनर्स. रेडिकल्स के पास सेल्सफोर्स के 3 ट्रेनर है. जो कैंडिडेट रजिस्टर कर रहा है, वो किस कैंडिडेट से वो ट्रेनिंग ले, वो किस ट्रेनर से ट्रेनिंग लेगा? अगर वो जावा सेलेक्ट करता है तो जावा के भी 2 ट्रेनर है. सो वी हैव मल्टीपल ट्रेनर्स फॉर जावा, वी हैव मल्टीपल ट्रेनर्स फॉर मेन फ्रेम, वी हैव मल्टीपल ट्रेनर्स फॉर AWS, वी हैव मल्टीपल ट्रेनर्स फॉर पाइथन. सो डेफिनेटली अगर आप आते हो और आपको चॉइस है कि नहीं मुझे किसी एक पर्टिकुलर बंदे से ही ट्रेनिंग लेनी है, तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको उस पर्टिकुलर बंदे को असाइन होना चाहिए. So, जैसे हमने एक स्टूडेंट बनाया है ऑब्जेक्ट, वैसे वी आर गोइंग टू क्रिएट ए वन अनदर ऑब्जेक्ट विद द नेम ऑफ ट्रेनर्स डिटेल. ठीक है, सो लेट्स गो एंड क्रिएट ए ट्रेनर डिटेल. कैसे? तो गाइस, जिसका भी आज फर्स्ट डे भी होगा, अगेन या कल का जैसे समझ में नहीं आएगा, अगेन वी आर गोइंग टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट हियर, जस्ट टेक ए लुक. सो फॉर दैट अगेन वी हैव टू गो फॉर सेटअप, सेम प्रोसेस जो हमने कल फॉलो किया था. आई कैन गो फॉर, सी, I can go for object manager, I can go for create, and here we have the custom object. I can go for that. And here I can provide your trainer detail or trainer icon. Trainer. Right? I can plural, I can take either trainers. I can provide trainer name. I can, the first field will be the trainer name. Jo main yahan pe dunga. Activities, history, ye sab enable kar lo, because always kabhi future mein jarurat padti hai iski. Allow report. This one, that's it. Save it. Everything I have enabled it. Save it now. Save किया मैंने. Trainer, trainer को कोई भी एक color provide कर दो. I can provide any color. Next, next.
और अभी इसी बात है जो ट्रेनर किसके लिए, वो ट्रेनर केवल रेडिकल ऐप के लिए है. सो आई एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिसेबल इट और ओनली फॉर रेडिकल एप्लीकेशन आई कैन गो एंड एनेबल इट. दैट्स इट. एनेबल किया मैंने, हो गया ट्रेनर क्रिएट. सी कितना इजी है. यू आप अगर आपको आता है तो आपको ऑप्शंस पता है, यू कैन क्रिएट वेरी इजीली. अभी आप इसको रिफ्रेश करो तो डेफिनेटली दैट ऑब्जेक्ट विल बी अवेलेबल. सी यू कैन सी द ट्रेनर ऑब्जेक्ट इज अवेलेबल नाउ. फाइन, सो हियर वी हैव द ट्रेनर ऑब्जेक्ट. Now what I can do, if I click on this trainer new button, I can see nothing here. Here I can see trainer name. मुझे यहाँ पे ट्रेनर का नाम तो आ गया, ठीक है. मुझे ट्रेनर का एक्सपीरियंस चाहिए, ट्रेनर किस टेक्नोलॉजी पे ट्रेन करते हैं वो चाहिए मुझे. फाइन, सो हियर वी हैव टू टेक दैट. सो what we can take it, so let's see. तो सबसे पहले मुझे ट्रेनर्स के डिटेल्स को ऐड करना है, सो वी हैव टू गो फॉर स्कीमा बिल्डर, जो हमने कल किया था. फिर से अगेन आई कैन गो फॉर स्टूडेंट मैनेजर एंड हियर वी हैव द स्कीमा बिल्डर. So guys, yesterday we have followed the same process. Again, I am repeating the same. What I need, clear all. और मुझे क्या चाहिए, trainer. So I am getting the trainer detail here. See, I am यहाँ पे search किया, मुझे trainer मिल गया. I can enable this trainer now. अभी मुझे trainer का नाम तो यहाँ पे है. Trainer का experience चाहिए. So experience के लिए I can go for elements and I can take number. How much experience he has? I can take the number. Experience. Fine, I can provide here. Let's take 2-digit number. Fine, trainer ka experience ho gaya. Then trainer ki technology, right? So I can take the pick list. Technical course. A technical course I can provide. Jo bhi trainer ka hoga, we can create. Let's take here. We have Salesforce. We have Java. We have mainframe. We have AWS, we have Python, we can go for more, .NET something, .NET, fine. And let's go for save it now. Trainers course. Fine. Chalo, humne bana liya. So whatever the fields we have created, that should also be added on the layout. Maine last time bhi bataya tha ki jo bhi aap फील्ड बनाते हो वो तो बन गया, बट उसको लेआउट में शो करने के लिए इस लेआउट पे एडिट करके ऐड करना होता है. ये हमने कल भी देखा था. सी गाइस, सेम थिंग आई एम रिपीटिंग अगेन. सो माइट बी आपको देखते देखते याद हो जाना चाहिए स्टेप्स वगैरह. सो आई कैन गो देयर. यहां से मैं फिर से लेआउट ओपन करूंगा. लेआउट ओपन करने के बाद व्हाट आई कैन डू नाउ, आई कैन गो हियर, ओपन दैट ट्रेनर लेआउट. Open that trainer layout, and now here we have trainer name, experience here we have, right? Technical courses here we have. I have added it. That's it. यही बस तीन ही field है. Fine, don't worry. Save it now. Save कर लिया. Save करने के बाद here we have that. Here we have that. So guys, a very very important concept we are going to learn here. Please see. Don't remove your focus here. Fine. So now see, trainer is created. If I will go for that new, so here we have, okay. So it's not showing, why? Because sometimes due to cache issue, because we have right on the layout. So ek baar aap control F5 se refresh karo. Agar dikhta hai, that is very good. Nahi dikhta hai, I will give you one more option. Ki what we have to do. See, abhi maine refresh kiya, phir bhi mujhe wo sare fields nahi dikh rahe hain. Kyun? Because cache clean nahi hua. To yahan pe ek setting hai jo aapko enable disable kar lena chahiye. Let me give you the path of the setting. कैशे के लिए यू हैव टू गो फॉर सेटअप, ठीक है. इसके बाद आपको जाना होगा सर्च फॉर सेशन सेटिंग, सेशन सेटिंग, और वहां पे जाके कैशे के अंदर डिसेबल सेकेंड चेकबॉक्स. दैट्स इट. ये आपको प्रोसेस फॉलो करना है तो आपको बार बार कैशे नहीं आएंगे. सी राइट, सो लेट्स गो फॉर, हम सेटअप में ऑलरेडी लेट्स गो फॉर सेटअप. सेटअप में जाएंगे, इनसाइड सेटअप वी कैन गो फॉर सेशन सेटिंग. यू कैन सी सेशन सेटिंग, सेशन सेटिंग, क्लिक ऑन दैट सेशन सेटिंग. यहाँ पे क्या है, सो वी हैव टू गो फॉर, उसका कहाँ जाना है मुझे, कैशे के अंदर कैशिंग. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कैशिंग, दिख रहा होगा. सी वी हैव कैशिंग सेशन सेटिंग, हियर वी हैव कैशिंग.
इसका जो सेकेंड वाला चेकबॉक्स है इसको डिसेबल कर देना, फाइन नाउ एंड जस्ट गो एंड सेव इट, इसको सेव कर लो। सेव कर लिया, सेव करने के बाद इफ आई विल रिफ्रेश दिस पेज वंस अगेन, आई होप शो दैट कैशे विल बी क्लीन आउट एंड वी कैन सी आवर यू फील्ड ऑन द यू आई, सी इट्स अवेलेबल नाउ। अब यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, सो वी हैव अ ट्रेनर लेट विद हुज नेम इज राहुल, सपोज लेट्स टेक एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट लेट्स टेक 16 ईयर्स एंड हिज टेक्निकल कोच ही सेल्स फोर्स। वी हैव सम मोर ट्रेनर, लेट्स टेक वी हैव, आई कैन एड सम मोर रिकॉर्ड्स, लेट्स टेक हियर वी हैव अतुल हु इज फ्रॉम जावा, who's let's say who has something 14 years of experience, he is from Java technology, he's a Java trainer, save it. We have one more record, suppose one more trainer has joined, let's take here we have Sunil, I can provide your experience something 17 years, he is also a Salesforce, fine. So multiple trainers, it's obvious hi baat hai, radical ke paas multiple trainers hai, I can provide you, fine. I can take RT, she has 18 years of experience and she is, let's take, she is from AWS, fine. So like abhi maine kitne, maine 5-6 trainers add kiye, 4 trainers kiye, you can add multiple trainers, har ek subject ke you have the multiple trainers. Now what we are looking for, so guys it's a very important concept we are going to discuss. Now here we have student and here we have the trainer, but let's take agar koi student aaya, सपोज कोई स्टूडेंट आता है यहाँ पे आया एंड स्टूडेंट ही वॉन्ट्स टू रजिस्टर, बट वो रजिस्टर करने से पहले वॉट ही इज लुकिंग फॉर, कि ही इज लुकिंग फॉर द सेल्स फोर्स ट्रेनिंग, बट ही इज ओनली लुकिंग टू लर्न फ्रॉम राहुल। सपोज ही गॉट ए नेम, इनिशियली किसी कैंडिडेट ने उसको नाम बताया कि यू कैन गो एंड टेक द ट्रेनिंग फ्रॉम राहुल, सो उसने क्या बोला कि मुझे राहुल सर से ही ट्रेनिंग लेनी है, सो इन दैट केस How this can be assigned to Rahul? So, उसके लिए सबसे पहले we have to connect these two objects. Everyone, this concept is very important. How we can create the connection? So, guys, connection between two objects. That is new. That is the new topic here today. Connection between two or more objects. Connection between two or more objects. So guys, whenever we have to connect two objects or more than two objects, always we have to go with relationship concept. Relationship concept. And there are three types of relationship we have. Kaun kaun se relationship hai? First relationship is lookup relationship. Relationship. Second here we have is master detail relationship. Guys, it's a very important question they used to ask in interview. Master detail relationship. Third here we have is hierarchical oblique, इसको हम बोलते हैं self relationship. ये तीन टाइप के आपके relationships होते हैं. Lookup relationship, मास्टर डिटेल, सेल्फ, जिसको हम हायरार्किकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं. सो दिस थ्री, यही आपके सेल्सफोर्स में तीन टाइप के रिलेशनशिप होते हैं. एक चौथा भी होता है एक्सटर्नल रिलेशनशिप, सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज दैट कम्स इन द इंटीग्रेशन. एक्सटर्नल रिलेशनशिप ये चौथा भी होता है बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम मार्किंग एज अ रेड, बिकॉज ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स अ एक्सटर्नल रिलेशनशिप, एक्सटर्नल रिलेशनशिप. But that is not required. Mainly, हमें Salesforce के अंदर यही तीन relationship we have to follow. Now, it's a most important interview question they used to ask. पहले क्या पूछते हैं? What are the types of relationship we have? So obviously, बात है आप ये तीन नाम बोलोगे कि we have three types of relationship: lookup, master detail, and hierarchical, or you can say it's a self. फिर वो पूछेंगे, what are the differences between these two relationships? ये इन तीनों रिलेशनशिप्स में डिफरेंसेस क्या है, कब हम लुकअप यूज करेंगे, कब हम मास्टर डिटेल यूज करेंगे, कब हम हायरार्किकल यूज करेंगे, तो हाउ वी कैन यूज ऑल दिस डिफरेंट रिलेशनशिप हियर. तो सबसे पहले डिफरेंस जानने के लिए फर्स्ट वी हैव टू लर्न कि लुकअप क्या होता है,
मास्टर डिटेल क्या होता है, सेल्फ और हायरार्कियल रिलेशनशिप क्या होता है, सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ. सो गाइस टिल हियर एनीवन हैज एनी क्वेरी, बिकॉज अभी हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, अभी दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ट्रेनर अलग है, स्टूडेंट अलग है, बट इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाना है. एवरीवन इज इट क्लियर, यस और नो? कम ऑन. यस सर. यस. अब सबसे पहली बात कि रिलेशनशिप दिखता कैसा है. अगर मैं बोल रहा हूं कि रिलेशनशिप बनाना है तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर वो दिखता कैसा है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि रिलेशनशिप है. सो लेट मी शो यू, सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेट मी शो यू वो दिखेगा कैसे. सो वंस आई, मैंने अकाउंट के न्यू पे क्लिक किया, कैन यू सी एवरीवन, सर्च यहां पे एक सर्च आइकन है, एवरीवन कैन सी, यस और नो? कम ऑन. दैट इज रिलेशनशिप. अगर आप जब भी रिलेशनशिप बनाओगे ना तो ये आइकन आपके यूआई पे दिखेगा. कभी भी आपको ये आइकन दिख जाए तो आप समझोगे कि यस हियर वी हैव द रिलेशनशिप. अभी आप देखोगे जो आपने बनाया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, क्या इस पे वो आइकन दिख रहा है? पूरे ऑब्जेक्ट में तो कहीं भी नहीं दिख रहा, आप किसी भी फील्ड पे नहीं दिख रहा. अगर आप ट्रेनर पे जाओ, वो आइकन कहीं पे भी दिख रहा है? कहीं पे भी, तीन फील्ड, तीनों में किसी पे नहीं दिख रहा. क्यों? क्योंकि दोनों स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग है, रिलेशनशिप नहीं है. बट ऑब्वियस सी बात है कि रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे रिलेशनशिप बनाना है, राइट? रेडिकल हैज गिवन ए प्रोजेक्ट दैट ही वॉन्ट्स टू डेवलप ए रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंट एंड ट्रेनर्स. So for that, just a minute guys, let me connect my charger first. Fine. So now for creating relationship, फॉर क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप वी कैन गो विथ एनी प्रोसेस. हम तीनों में से किसी पे भी जा सकते हैं, लेकिन कब हम कहां लुकअप यूज करेंगे, कहां मास्टर डिटेल और कहां हायरार्की. सो रिमेंबर द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट जो लुकअप रिलेशनशिप होता है ना, दैट इज लूजली कपल रिलेशनशिप. दैट इज लूजली कपल रिलेशनशिप. मास्टर डिटेल इज वॉट? इट्स ए टाइटली कपल रिलेशनशिप. Tightly coupled relationship. So self or hierarchy होता है ना, that is also a loosely coupled relationship. Now आपको एक नया term सुनने को मिला, loosely coupled, tightly coupled. अब है क्या ये loosely coupled relationship, tightly coupled relationship, loosely coupled relationship? So the loosely coupled मतलब क्या होता है? और अगर आप नॉन टेक्निकल वे में बात करोगे, सपोज अगर मुझे टेक्निकली नहीं समझना, नॉन टेक्निकल वे में, तो लुकअप हो, मास्टर डिटेल हो या सेल्फ हो, तीनों को हम क्या बोलते हैं? तीनों को हम बोलते हैं, अगर आप नॉन टेक्निकल वे में बात करते हो तो तीनों को ही हम बोलेंगे क्या? व्हाई द कलर इज नॉट चेंजिंग? ओके, फाइन, लेट मी गो फॉर ब्लू दिस वन. तो लूजली कपल को हम बोलते हैं व्हाट? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. अगर आप बात करो पेरेंट चाइल्ड, इसको भी बोलेंगे सेम, तीनों को यही बोलेंगे पेरेंट चाइल्ड. फिर आप बोलोगे सर डिफरेंस तो मुझे अभी भी पता नहीं चला. अगर आप तीनों को पेरेंट चाइल्ड ही कह रहे हो, सेल्फ लुकअप को भी, मास्टर डिटेल को भी, हायरार्की को भी, तीनों को आप बोल रहे हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, देन अगेन डिफरेंस क्या हुआ? सो रिमेंबर गाइज, तीनों पेरेंट चाइल्ड होंगे, लेकिन लूजली कपल मतलब क्या होता है? लूजली कपल का मतलब होता है, आई एम गोइंग टू राइट हियर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट child and parent both are independent. This is what here the meaning of loosely coupled. This is what here meaning of the loosely coupled. Child and parent both are independent. Agar main master detail ki baat karu, agar main master detail ki baat karu, to iska matlab kya hota hai? It means fine. It means what? It means child is totally depending on parent. Dono line mein what difference hai? Pehle line mein kya likha? Child and parent both are independent. Aur second mein maine likha, child is totally depending on parent.
Fine. And the last one here we have that I'm talking about the, you can say it's about hierarchical. यहाँ पे क्या होगा? It's child and parent both are independent. Independent. So guys, we have to understand this. कि लूजली कपल्ड का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड और पेरेंट बोथ आर इंडिपेंडेंट. अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड कहाँ से आ गया? वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट. सो रिमेंबर गाइस, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट को हमें पेरेंट मानना होगा और दूसरे ऑब्जेक्ट को चाइल्ड. एक ऑब्जेक्ट को पेरेंट मानना होगा, दूसरे, लेट्स टेक एग्जांपल, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है. कौन से ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट एंड ट्रेनर. स्टूडेंट एंड ट्रेनर दो, और दोनों में रिलेशन बनाना है. तो ऑब्वियस ही बात है, इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, दोनों में से किसी एक को मुझे या तो मुझे स्टूडेंट को पेरेंट मानना होगा या तो मेरे को ट्रेनर को पेरेंट मानना होगा. इट डिपेंड्स. अगर मैं सपोज ट्रेनर को पेरेंट मानता हूँ, सपोज अगर ट्रेनर पेरेंट है और स्टूडेंट चाइल्ड है, मैंने ऐसे बनाया, स्टूडेंट विल बी चाइल्ड एंड ट्रेनर विल बी पेरेंट. सो व्हाट हैपन? अगर स्टूडेंट पेरेंट होगा, ट्रेनर चाइल्ड होगा, देन व्हाट हैपन? विल सी. सो अभी के लिए, सो गाइस रिमेंबर वन मोर थिंग, एक मैं आपको हिंट और देता हूं कि अगर आपको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सबसे पहले तो आना चाहिए कि ये आइकन किस पे आए, सर्च वाला. ये आइकन जिस भी ऑब्जेक्ट पे आएगा वो ऑब्जेक्ट आपका चाइल्ड होगा. मतलब ये जो आइकन किसके, कौन से ऑब्जेक्ट पे, अभी ये आइकन अभी अकाउंट ऑब्जेक्ट पे आया है तो अकाउंट चाइल्ड है. फाइन. सो ये सर्च आइकन जिस भी ऑब्जेक्ट के पेज पे दिख जाए वो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा? दैट विल बी द चाइल्ड ऑब्जेक्ट. तो मुझे ये बताओ, यहां पे जो सर्च आइकन दिखेगा किस पे दिखेगा, ट्रेनर पे या स्टूडेंट पे? एवरीवन, वो जो सर्च आइकन का फील्ड है किस पे दिखेगा, ट्रेनर पे या स्टूडेंट पे? स्टूडेंट पे, बिकॉज स्टूडेंट इज अ चाइल्ड. तो चाइल्ड के पेज पे वो सर्च आइकन दिखेगा इफ वी आर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप. अब बात आती है लूजली कपल एंड टाइटली कपल की, जिसमें चाइल्ड एंड पेरेंट बोथ आर इंडिपेंडेंट. लेट मी गिव यू अ रियल सिनेरियो ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. ओके, तो यू कैन सी, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है HDFC बैंक, दिस इज द ऑब्जेक्ट HDFC बैंक. मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है दैट इज HDFC क्रेडिट / डेबिट कार्ड. राइट, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक है बैंक और एक है डेबिट कार्ड. अब मेरे को एक बात बताओ आप, अगर बैंक, अगर मैं इंडिया से HDFC बैंक ही हटा दूं तो क्या HDFC का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का कोई मतलब है? क्या वो बिकेंगे अगर बैंक नहीं है तो? एवरीवन, यस सुनो, नो, नहीं ना. ऑब्वियसली जब बैंक ही नहीं है तो उसका क्रेडिट और डेबिट कार्ड रह के क्या होगा? सो आप कह सकते हो कि ये जो चाइल्ड है ये पेरेंट पे डिपेंड करता है. अगर पेरेंट है तो ही चाइल्ड है, अगर पेरेंट नहीं है तो चाइल्ड नहीं है. तो किस में जाएगा ये? मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, जहां पे मैंने क्या लिखा है, चाइल्ड इज टोटली डिपेंडिंग ऑन पेरेंट. मतलब ये जो चाइल्ड है ये आपके पेरेंट पे डिपेंड करता है. अगर पेरेंट है तो चाइल्ड है, चाइल्ड नहीं, सॉरी पेरेंट नहीं तो चाइल्ड भी नहीं. एवरीवन क्लियर मास्टर डिटेल? यस और नो, किस टाइप का रिलेशनशिप होता है? यस. फाइन, अब बात करते हैं लुकअप की, लूजली कपल्ड. ओके, फाइन. सो गाइज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लूजली कपल, इट्स ए टेम्पररी रिलेशनशिप, यू कैन से टेम्पररी रिलेशनशिप. सो गाइज एवरीवन, अब एक बात बताओ, जब आप सपोज लेट्स टेक आप पानी पूरी खाने जाते हो, सब क्या बोलते हो? एनीवन, कम ऑन, कभी खाया कि नहीं खाया? हेलो गाइस, किसी ने नहीं खाया? एवरीवन, डू यू नो पानी पूरी गोलगप्पे कभी देखा है? सर्च कर दूं आपके लिए, कभी देखा ये? यस, देखा है सर.
कभी देखा है, सुना है कभी इसके बारे में? क्या करते हैं इसको हम? खाते हैं। खाते हैं, कभी खाया कि नहीं खाया पहले बताओ। राइट, सो आप ये बताओ कि जब आप शॉप पे जाते हो तो क्या कहते हो उनको? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्याज और पानी पूरी ना। एग्जैक्टली, तो आप चाहे गर्ल्स जाए या बॉयज जाए, क्या बोलते हैं? भाई एक प्लेट पानी पूरी देना या भैया एक प्लेट पानी देना। सो अगर आप भैया बोलते हो तो वो आपका रियल ब्रदर नहीं होता, राइट? इट्स ए टेम्पररी रिलेशनशिप जो आपने बनाया उसके साथ। किसके लिए? केवल पानी पूरी खाने के लिए। पानी पूरी खाने के बाद आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, अब इसके बाद आपके वो भाई नहीं रहे। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट योर रिलेशनशिप दैट इज लुक अप, कि जब आपको जरूरत होती है एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू क्रिएट द रिलेशनशिप। That is what here. Let's take example, another example. Let's say here we have a car and music system. So everyone, अब मेरे को ये बताओ, क्या अगर कार के अंदर म्यूजिक सिस्टम ना रहे तो क्या कार रन होगी? Yes or no? Yes. Right. और अगर कार ना हो तो क्या बिना कार के क्या घर पे म्यूजिक सिस्टम नहीं चला सकते? Exactly. Yes. चला सकते हैं ना? तो obviously दोनों independent है। Car alone can run. म्यूजिक सिस्टम एलोन कैन प्ले। इसको तो बस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कार नहीं चाहिए। सो लेकिन फिर भी क्या किया है, फिर भी इसको साथ में इंस्टॉल किया जाता है इन ए कार। सो दे हैव द रिलेशनशिप बट इट्स ए लूजली कपल, इट मीन्स चाइल्ड एंड पेरेंट, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं। इनके बीच में रिलेशनशिप है लेकिन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज लुकअप रिलेशनशिप। अब एक बात बताओ, यहां पे आता है ट्रेनर एंड स्टूडेंट, तो यहां पे इनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए? इट्स अ लुकअप और मास्टर डिटेल, क्या लगता है आपको? लुकअप। एग्जैक्टली लुकअप। अभी आप अगर सपोज आप स्टूडेंट हो, आप अगर मेरे पास पढ़ने नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप नहीं होते तो इनमें कोई और नहीं आएगा, आपसे रिलेशन नहीं बनेगा मेरा, बहुत दूसरे स्टूडेंट तो आएंगे मेरे पास, राइट? अगर आप देखो ट्रेनर, तो आई एम नॉट द ओनली ट्रेनर इन पुणे, मेरे अलावा और भी बहुत से ट्रेनर हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज ए लुकअप रिलेशनशिप, राइट? सो ऑब्वियसली बात है कि हमारे बीच का रिलेशनशिप तब तक है जब तक आप यहाँ पे लर्निंग के लिए हो। एक बार लर्निंग कंप्लीट हो गई देन वी आर इंडिपेंडेंट, आप अपना अलग कहीं जॉब पे जॉब कर रहे हो, मैं कहीं अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट? सो दैट कम्स अंडर लुकअप रिलेशनशिप। क्लियर है सबको एवरीवन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यस और नो? Yes, sir. Fine. So now what we found कि trainer और student के बीच में we can create a lookup relationship and then we can go. अभी hierarchy और self किसको कहते हैं? We'll talk later. क्योंकि mostly project में lookup और master detail ही use होते हैं. Don't worry. मैं आपको कभी कभी clients के और में login करके दिखाऊंगा that कि वो दिखता कैसा है, right? But currently let's go and create a lookup relationship. So obviously बात है guys, and one more very very important note point जो आपको हमेशा याद रखना है, that is whenever you are going to create a relationship between two object, always child will get priority to create relationship. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, कभी भी आप रिलेशनशिप बनाओगे किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में तो हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी हमेशा ही चाइल्ड को मिलेगी, चाइल्ड पे ही रिलेशनशिप बनाए जाते हैं। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में चाइल्ड कौन है? स्टूडेंट इज द चाइल्ड, दैट आई हैव डिसाइडेड दैट स्टूडेंट विल बी द चाइल्ड एंड ट्रेनर विल बी पेरेंट। सो रिलेशनशिप हम किस पे बनाएंगे? विल क्रिएट ऑन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स गो फॉर स्टूडेंट नाउ। I can go click on the student. Student पे क्लिक करके I can go and edit this student object. Let's go for edit object. Fine. And what we have to create? We have to create lookup relationship. So lookup के लिए you can see यहां पे आ रहा है relationship का option. Fields and relationships. Click on that fields and relationships. Once I click on this new button, you can see here we'll get the option of lookup relationship, master detail relationship, external relationship. External मैंने बताया ये वाला last वाला जो कि अभी use का नहीं है, इसमें आपको hierarchical नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, कब दिखेगा? We'll talk later, don't worry. अभी के लिए I am going to select what? Lookup relationship.
मैंने ले लिया लुकअप रिलेशनशिप, राइट। सी क्रिएट ए रिलेशनशिप दैट लिंक्स दिस ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को लिंक कर देता है ये, फाइन। चलो देखते हैं लिंक कैसे करता है ये। तो आई हैव सेलेक्टेड इट, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया नेक्स्ट, और ये बोल रहा है कि स्टूडेंट तो बना रहे हो आप, इसका पेरेंट कौन होगा? Here we have lots of object, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है इतने सारे, लेकिन बोल रहा है अगर आप स्टूडेंट को चाइल्ड बना रहे हो तो पेरेंट कौन बनाएगा? तो पेरेंट कौन होगा? ट्रेनर विल बी द पेरेंट। सो यहां से आप चूज करोगे उसका पेरेंट कौन है। सो पेरेंट होगा ट्रेनर, सर्च फॉर ट्रेनर, डू वी हैव ट्रेनर? डू वी हैव ट्रेनर? यस वी हैव द ट्रेनर। तो आई हैव सेलेक्टेड दैट ट्रेनर ऑप्शन, कि ट्रेनर पेरेंट होगा, स्टूडेंट चाइल्ड होगा। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। यहां पे आपको देखो आ जाएगा आपका ट्रेनर का नाम रहेगा, एंड यू कैन सी चाइल्ड का नाम क्या होगा, चाइल्ड विल बी स्टूडेंट, नथिंग वी हैव टू मॉडिफाई, जस्ट गो फॉर नेक्स्ट, जस्ट गो फॉर नेक्स्ट। इट इज आस्किंग फॉर फील्ड लेवल सिक्योरिटी, सो डोंट वरी, ये टॉपिक हम सिक्योरिटी मॉडल पर अभी कुछ नहीं करना है, वो सब स्किप करना है, इसको भी स्किप करो, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, एंड देन फाइनली लेआउट पे नेक्स्ट एंड सेव इट। सो सेव कर लो, कुछ नहीं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सेव इट, दैट्स इट, नथिंग यू हैव टू मॉडिफाई हियर, कुछ नहीं मॉडिफाई करना है। और जैसे ही हमने बनाया, आई थिंक यू कैन सी हियर नाउ ट्रेनर, कैन यू सी हियर ट्रेनर के साथ यहाँ पे लुकअप रिलेशनशिप बन गई, इफ यू कैन सी हियर बॉटम, यहाँ पे ट्रेनर विद ट्रेनर आई कैन सी द लुकअप रिलेशनशिप। तो ट्रेनर इज वॉट पेरेंट एंड स्टूडेंट इज चाइल्ड। और जैसा कि मैंने बताया था कि यूआई पे क्या दिखता है, वो आपका सर्च वाला आइकन दिखता है, और वो सर्च आइकन कौन से ऑब्जेक्ट पे दिखेगा, एवरीवन किस पे दिखता है वो, पेरेंट पे या चाइल्ड पे? चाइल्ड, चाइल्ड पे। तो हमने यहाँ पे चाइल्ड स्टूडेंट को लिया है, क्लिक ऑन दैट स्टूडेंट, देखते हैं देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, सो दैट कभी भी आप डेवलपमेंट करो ना, तो ऑलवेज पेज को एक बार रिफ्रेश कर लो, ताकि आपने जो चेंजेस किए ना वो आपको यूआई पे दिख जाए। नाउ आई कैन क्लिक ऑन दिस न्यू बटन एंड सी, कैन वी सी दिस आइकन एवरीवन, यस और नो, कैन वी सी दिस? यस। अभी आप देखोगे यहाँ पे आई कैन सेलेक्ट, आपने यहाँ पे डाला कि मुझे सेल्सफोर्स पढ़ना है, आप बोलोगे नहीं मुझे सेल्सफोर्स केवल राहुल से ही पढ़ना है। सो यहाँ पे ट्रेनर में जाओगे तो यू कैन सी द नेम, किससे आपको जाना, आपको राहुल से, यू कैन सेलेक्ट राहुल, हियर वी हैव द राहुल नाउ, तो ऑटोमेटिकली वो राहुल को असाइन हो जाएगा, क्योंकि राहुल किसके अंदर है, राहुल तो ऑलरेडी हमने डेटा बनाया हुआ है, किसके अंदर, ट्रेनर्स के अंदर, हियर वी हैव द राहुल, फाइन। सो ये जो ट्रेनर है, राइट, दैट डिटेल्स यू कैन सी इट हियर, वो आपको यहाँ पे, अगर आप जाओगे यहाँ पे, जो भी बंदा है सपोज उसको, अगर लेट्स से हियर वी हैव जावा, सो वी कैन गो फॉर जावा, फाइन। कुछ आपको इजी करने के लिए मैं और यहाँ पे क्या कर देता हूँ आपके लिए, सो आई कैन गो फॉर ट्रेनर, जो मैंने नाम दिया ना, लेट्स से राहुल, सो आई कैन प्रोवाइड राहुल के बगल में, अभी ये राहुल कौन सा ट्रेनर है, सेल्सफोर्स का, अभी आपको दिख नहीं रहा, सो यहाँ पे आई कैन प्रोवाइड हियर सेल्सफोर्स, ताकि इंडिकेशन में दिख जाए सेल्सफोर्स ट्रेनर, सेव इट, लेट्स गो बैक, आई कैन गो फॉर सेम थिंग आरती, सी बिलोंग्स टू विच, सी इज विच ट्रेनर, सो सी इज AWS ट्रेनर, सो आई कैन प्रोवाइड हियर सी इज AWS ट्रेनर, सेव इट, सेव इट, ट्रेनर, और भी सुनील, सो व्हाट ही इज फॉर, so he is also for Salesforce, so ठीक है, so I can go for Salesforce, save it, last one what we have, Atul, I think he is from Java, yes, okay, ठीक है, we can take it for Java, fine, save it now, तो फायदा क्या होगा, जब आप, जब भी कोई बंदा registration के लिए radical में आएगा, right, so obviously बात, किसी किसी बंदे के पास नाम होता है कि मुझे इसी इन्हीं सर से ट्रेनिंग लेनी है, so in that case what we can do, so यहाँ पे they can select the course, किसे कौन सा कोर्स चाहिए Salesforce का, और यहाँ पे you can see here we have all the trainers name, अतुल जावा के लिए, सुनील Salesforce के लिए, आरती AWS के लिए, राहुल अगेन Salesforce के लिए, तो अगर उसके पास कोई स्पेसिफिक नेम होगा, so he can take the name something like that, let's take here, you can take सुनील, but अभी आप क्या बोलोगे सर, दैट इज फाइन, बट अगर मैं, क्लाइंट ने बोला कि नहीं, रेडिकल क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसा डेवलप करके अगर मैं यहाँ पे सेल्सफोर्स लूँ तो यहाँ पे सारे ट्रेनर्स नहीं आए, यहाँ पे केवल सेल्सफोर्स के ही ट्रेनर दिखे, जावा के ट्रेनर क्यों दिख रहा है, AWS के ट्रेनर क्यों दिख रहा है, जब मैंने यहाँ पे टेक्निकल कोर्स में सेल्सफोर्स लिया है तो मुझे केवल सेल्सफोर्स के ट्रेनर्स आने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे
जावा ले लू तो आई कैन सी ओनली जावा ट्रेनर्स के लिस्ट. अननेसेसरी सेल्सफोर्स का AWS का क्यों आ रहा है? वी आर ओनली लुकिंग फॉर जावा ट्रेनर. राइट गाइस, सही बोल रहा हूं मैं? यस और नो? कम ऑन. यस यस सर ऑफ कोर्स. सो हाउ इट इज, हाउ इट विल बी अचीव्ड? कम ऑन. फेल डिपेंडेंसी. एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. फाइन, यही लोग जवाब देते हैं इंटरव्यू में भी. उनको लगता है कि जैसे हमने पिकलिस्ट पे डिपेंडेंसी अप्लाई कर दिया था वैसे हम रिलेशनशिप पे भी कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द केस. रिलेशनशिप में फील डिपेंडेंसी कभी काम नहीं करता. इसको हमेशा आप नोट डाउन कर लो, बिकॉज सब आपने जो आंसर दिया ना, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे को इंटरव्यू में वही सब यही आंसर देते हैं. जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि लेट्स टेक इफ वी हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड वॉट एवर द डेटा हियर वी हैव, दैट डेटा वी वॉन्ट टू फिल्टर आउट एलॉन्ग विद द पिकलिस्ट वैल्यू. सो 90% लोग यही जवाब देते हैं, फील डिपेंडेंसी, एंड दैट इज रॉन्ग. कभी भी रिलेशनशिप पे हम फील डिपेंडेंसी अप्लाई नहीं कर सकते. दैट विल ओनली बी एप्लीकेबल ऑन पिकलिस्ट वैल्यू, और ये आपका पिकलिस्ट वैल्यू नहीं है. फाइन. सी गाइस, एक बात मैं आपको और दिखाता हूं. चलो एवरीवन, सबने यूज किया है वाइबीबो? जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन. कभी ना कभी यूज किया है क्या? यस और नो? चलो मैं आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन यहां पे. सो यहां पे लेट्स टेक आपको जर्नी करनी है, लेट्स टेक पुणे टू बैंगलोर. तो पहले ये तो बताओ ये कौन सा फील्ड है? अभी आप डेवलपमेंट आप करना स्टार्ट कर दिया, आप जान सकते हैं कौन सा फील्ड है, फ्रॉम कौन सा डेटा टाइप है, टेक्स्ट है, नंबर है, क्या है ये? टेक्स्ट. टेक्स्ट, नंबर, चेक बॉक्स, पिक लिस्ट, क्या टेक्स्ट है ये? टेक्स्ट का मतलब क्या? टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि यहां पे हम टाइप करेंगे, राइट? सो आई कैन क्लिक ऑन दैट. तो मैंने टाइप किया, तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूं ABCD, लेकिन ABCD क्या सेव हो जाएगा क्या? जब मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूं तो ये क्या आ रहा है? पिकलिस्ट. ये पिकलिस्ट है. और पिकलिस्ट का मतलब क्या होता है? पिकलिस्ट का मतलब ड्रॉप डाउन, राइट? पिकलिस्ट का मतलब ड्रॉप डाउन ना, राइट? यस. जैसे कि यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ. जैसे यहाँ पे इट्स ए पिकलिस्ट, आई कैन से इट्स ए पिकलिस्ट. जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये आपको ड्रॉप डाउन दिख गया, इट्स ए पिकलिस्ट. तो व्हाट अगर ये पिकलिस्ट आप बोल रहे हो, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ड्रॉप डाउन क्यों नहीं आया फिर? पिकलिस्ट का मतलब है मैंने क्लिक किया और ड्रॉप डाउन आ जाएगा, बट यहाँ तो नहीं आया मुझे पिकलिस्ट. अगर आप बोलते हो ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में मैं अगर टाइप करता हूँ समथिंग ABC, तो क्या मैं ABC को सेव कर सकता हूँ? नहीं आएगा ना. तो ना ही ये पिकलिस्ट है और ना ही ये टेक्स्ट है. ये क्या है? इट्स ए रिलेशनशिप. इट इज ए रिलेशनशिप. यहां पे अगर आप जाओगे तो यही चीज तो यहां हमने रिलेशनशिप में बनाया है. सी कहां गया ये? अभी यहां पे सपोज कोई नाम मुझे सर्च करना था, आई कैन सर्च हियर, आई कैन प्रोवाइड RAHUL. जो आप नाम सर्च करोगे उसके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आता है. और यही काम कहाँ पे होता है? द सेम विल बी अवेलेबल इन दैट हियर. सो जो भी आप नाम डालोगे PUNE, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका यहाँ पे द डेटा विल बी अवेलेबल. सो दैट इज द रिलेशनशिप. अभी आप बोलोगे सर तो ये रिलेशनशिप कैसे हुआ? Let me tell you. So guys, I'm audible because I can see my internet is slow. मेरी आवाज आ रही है? सही है सर. Screen is freeze. Can't see your screen sir. मुझे भी लग रहा है. Okay, let me share my screen once again. Stop करके. No worry. चलो. I hope it is visible to once again. Nope. नहीं हुआ ना. इंटरनेट वाले भी पता नहीं क्या हो जाता है. ठीक है, लेट मी कनेक्ट माय मोबाइल. चलो ओके, लेट मी चेंज दैट कनेक्शन.
Okay, so guys, are we audible? Yes, sir. Yes. Let me share my screen once again. ठीक है चलो let's log into your org. So we are talking about the relationship. ठीक है. Fine. So if I can go for my radical application, you can see here whatever the relationship we have developed between two objects, accounts and trainers. So now here it's the same, just like we have in the Go IBIBO. So Go IBIBO में अगर आप जाओगे ना तो आजकल यही IBIBO. Fine. So I can go there, click on that, and you can see. So यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ पुणे, everyone can see my screen now, is it clear? Yes. So जैसे आप सर्च करते हो पुणे, so you can see the list. अभी ये सारे डेटा कहाँ पे सेव्ड है? ये सारे डेटा आपके दूसरे ऑब्जेक्ट में सेव्ड होते हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेनर में सेव किया और ट्रेनर का डेटा हम स्टूडेंट पे यूज कर रहे हैं. एग्जैक्टली सेम ये सारे डेटा जो है आपके किसी और ऑब्जेक्ट में सेव्ड है, बस यहाँ पे हम टाइप करते हैं और ये डेटा वहां से पुल हो जाता है. एग्जैक्टली सेम हियर वी हैव, ये जो डेटा है आपका ट्रेनर का डेटा, ये आपके स्टूडेंट में नहीं है, ये डेटा जो है आपका ट्रेनर में सेव्ड है. वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड हियर वी कैन गेट द डेटा, बिकॉज ये सारे के सारे डेटा किसके अंदर है? ट्रेनर्स के अंदर है. सो अगर मुझे इस डेटा को मॉडिफाई करना है तो वी कैन नॉट मॉडिफाई इन द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, वी हैव टू गो इन द ट्रेनर ऑब्जेक्ट एंड देन वी हैव टू मॉडिफाई. द सेम here we have in the Go IBIBO. Fine. Now, what we are talking about? हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे whatever the technical course we are going to select. अगर मैं Salesforce लेता हूँ, तो I can see only Salesforce trainer. कैसे होगा? तो हमें इस trainer पे filter apply करना होगा. We have to apply filter on this trainer object. कैसे apply करेंगे? उसके लिए it's very simple. सबसे पहले हम student को edit करते हैं. Let's go and edit the student object. स्टूडेंट को एडिट करने के बाद आई कैन गो फॉर फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, बिकॉज यहीं पे हमने रिलेशनशिप बनाया था. एंड कहां रिलेशनशिप का नाम? आई कैन सर्च फॉर ट्रेनर. यू कैन सी ये हमने स्टूडेंट और ट्रेनर के बीच में रिलेशनशिप बनाया है. इट्स ए लुकअप रिलेशनशिप और हमें इसी लुकअप पे फिल्टर अप्लाई करना है. कैसे करेंगे? फर्स्ट क्लिक ऑन दैट फील्ड नेम ट्रेनर. जैसे इसको आप क्लिक करोगे, इसका आपके यू कैन सी हियर वी हैव द डिटेल ऑफ द फील्ड और यहां पे आपको नीचे आ जाएगा हियर वी हैव द ऑप्शन लुकअप फिल्टर. एवरीवन कैन सी द ऑप्शन लुकअप फिल्टर? कम ऑन, दिख रहा है? यस. तो यहां पे आप इस ट्रेनर को क्या करोगे? पहले एडिट करोगे. एडिट करने के बाद यहां पे आप फिल्टर अप्लाई करोगे. हियर वी हैव शो फिल्टर्स सेटिंग्स, इसको क्लिक करो. यहां पे आपके फिल्टर की सेटिंग आ गई. अभी यहां पे हम डालेंगे कैसे? क्लिक ऑन दैट आइकन. हम बोलेंगे कि स्टूडेंट का जो टेक्निकल कोर्स है, समथिंग सेल्सफोर्स है, जावा है, .NET है, AWS, ये तो टेक्निकल कोर्स है, वो जो है हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. किसके? फील्ड वैल्यू के. किस फील्ड के वैल्यू के? क्लिक ऑन दैट. वो होना चाहिए ट्रेनर के टेक्निकल कोर्स के अकॉर्डिंग. Fine. So remember, guys, technical course. Sorry. So technical course जो है वो आपके student में भी है और technical course trainer में भी है. जब दोनों match होंगे वही data दिखेगा. And that we can go with the optional. Now let's go. We have ये by default activate हो जाता है. Let's go for save it. अब इस फिल्टर अप्लाई करने से क्या होगा? हमने फिल्टर तो अप्लाई कर दिया सी. अभी हमने यहाँ फिल्टर अप्लाई कर दिया कि स्टूडेंट का टेक्निकल कोर्स इक्वल होना चाहिए ट्रेनर के टेक्निकल कोर्स से. क्या एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज लेट मी शो यू. एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं कि आखिर इस फिल्टर लगाने का फायदा क्या है. सो आई कैन क्लिक ऑन दिस न्यू एंड यू कैन सी. अगर मैं ट्रेनर पे जाऊं, क्लिक ऑन द ट्रेनर, कैन आई सी एनी नेम? एवरीवन यस और नो? अगर मैं सर्च भी करूं यहाँ पे राहुल, नहीं आ रहा है. अगर मैं सर्च करूं अमित, नहीं आ रहा है. क्या क्या नाम था? सुनील, नहीं आ रहा. सो आई एम सर्चिंग एवरी टेक्निकल ट्रेनर नेम, बट यहाँ पे मुझे कोई भी नाम नहीं आ रहा है. क्यों?
वाई बिकॉज वी हैवंट सेलेक्टेड कि स्टूडेंट को कोर्स कौन सा चाहिए स्टूडेंट को कोर्स कौन सा चाहिए सो लेट्स टेक स्टूडेंट इज लुकिंग फॉर द सेल्स फोर्स कोर्स उसको सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग चाहिए सो हियर वी हैव द सेल्स फोर्स ट्रेनर नाउ कि सेल्स फोर्स के दो ट्रेनर है एक है सुनील दूसरा है राहुल जी इसके अलावा बाकी ट्रेनर दिखेंगे ही नहीं अगर स्टूडेंट बोलता है नहीं मुझे ए डब्ल्यू एस पढ़ना है आई एम लुकिंग फॉर ए डब्ल्यू एस ट्रेनिंग देन वी हैव द ट्रेनर फॉर ए डब्ल्यू एस आरती अगर स्टूडेंट बोलता है नहीं मुझे जावा पढ़ना है सो फॉर जावा वी हैव हियर वी हैव अतुल ट्रेनर वी हैव फ्रॉम द जावा सो नाउ अकॉर्डिंग टू टेक्निकल कोर्सेज दैट वी आर सेलेक्टिंग फॉर द कैंडिडेट सो वी हैव द लिस्ट ऑफ ट्रेनर्स और आप उस ट्रेनर को असाइन कर सकते हो नाउ चलो एक बार स्टार्ट करते हैं सो लेट्स टेक एग्जांपल हियर कैंडिडेट हैज कम कैंडिडेट आया सो हियर वी हैव अक्षय शर्मा ये उसका फोन नंबर है फाइन ही हैज इसका ईमेल है gmail.com एड्रेस वी कैन ड्राइप इट सपोज एड्रेस इज फ्रॉम इंदौर का है वो सो वी कैन टेक द सेलेक्ट इट मध्य प्रदेश द सिटी विल बी इंदौर एंड देन ही इज लुकिंग फॉर सेल्सफोर्स ट्रेनिंग सो हियर वी हैव फॉर सेल्सफोर्स ट्रेनिंग हियर वी हैव टू ऑप्शन सुनील एंड राहुल सो हम ये कैंडिडेट से पूछेंगे वी हैव टू ट्रेनर्स फॉर सेल्सफोर्स फॉर विच ट्रेनर यू आर लुकिंग फॉर सपोज अक्षय ने बोला कि नो आई एम ओनली लुकिंग फॉर लेट्स टेक सुनील सो आई कैन असाइन हिम टू सुनील नाउ what will happen और इसने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दिया किस कितने दैट इज सपोज इसने 2500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दिया कि आई एम लुकिंग फॉर सेल्सफोर्स ट्रेनिंग फ्रॉम सुनील सर सो नाउ दैट रिकॉर्ड विल बी सेव्ड आईडी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आईडी विल बी जनरेटेड और यहां पे डेटा फीड हो गया अभी आप देखोगे कि यहां पे जो सुनील ट्रेनर है सेल्सफोर्स का जैसे अगर आप ट्रेनर की लिस्ट में जाओगे अब आप देखोगे सुनील जो है सो आई कैन क्लिक ऑन द सुनील एंड आई वांट टू सी कि सुनील के पास कितने कैंडिडेट्स है सो आई कैन गो ही कैन गो फॉर द रिलेटेड एंड यू कैन सी यहां पे एक ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट सुनील के लिए एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन आया है यू कैन क्लिक ऑन दिस आईडी एंड यू कैन सी किसका है वो अक्षय का है सो बोथ स्टूडेंट पे मुझे ट्रेनर का नाम दिखेगा और ट्रेनर पे अगर जाएंगे तो वहां पे मुझे स्टूडेंट के डिटेल्स दिखेंगे कि कौन से स्टूडेंट है जो कि जिसने की रजिस्ट्रेशन किया है सो दैट इज दोनों साइड होता है जब आप ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो ना सो आप पेरेंट पे चाइल्ड के रिकॉर्ड्स देख सकते हो और चाइल्ड पे पेरेंट के रिकॉर्ड्स देख सकते हो दोनों ही अभी मान लो फिर से स्टूडेंट आया वी कैन टेक वन मोर स्टूडेंट लेट्स टेक वन मोर स्टूडेंट समथिंग आई कैन प्रोवाइड STUD1 उसने अपना फोन नंबर दिया उसने अपना ईमेल एड्रेस दिया fine he is from let's take Pune he have given the registration amount something 1500 he is looking also for technical courses suppose he is from Maharashtra Pune aur usko bhi Atul sir se usko bhi lena hai Sunil se hi lena hai he will go for Sunil sales force and now again save it so ab kya ab do log aa gaye Sunil ke liye so for trainer Sunil he has two candidates for training so agar aap trainer pe jaoge तो ट्रेनर पे दिख जाएगा कि सुनील के लिए कितने कैंडिडेट्स हैं टू कैंडिडेट्स आ चुके हैं दो कैंडिडेट रजिस्टर हो गए हैं सुनील से ट्रेनिंग लेने के लिए अगर आप बाकी सब पे जाओ अतुल के पास कितने हैं करेंटली एक भी नहीं जीरो फाइन अगर आप आरती के पास जाओ क्या है कितने हैं एक भी नहीं है जीरो आरती के पास अगर आप राहुल के पास जाते हो तो कितने हैं यू कैन सी करेंटली नो देयर इज नो एनी कैंडिडेट फॉर राहुल सो गाइस व्हेनेवर जैसे ही रेडिकल में अब जो आप आओगे जावा के ट्रेनिंग के लिए मेन फ्रेम के ट्रेनिंग के लिए पाइथन के ट्रेनिंग के लिए AWS की ट्रेनिंग के लिए तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो आप उस ट्रेनर के अंडर असाइन हो जाते हो फाइन सो दैट इज द करेंटली फंक्शनैलिटी वी हैव सीन सो अभी हमने केवल एक देखा है दैट इज लुकअप रिलेशनशिप कल हम देखेंगे मास्टर डिटेल कल नहीं विल गो विल सी ऑन मंडे विल सी मास्टर रिलेशनशिप एंड हायरार्किकल आज के लिए गाइस इफ यू हैव एनी क्वेरी लेट मी नो कम ऑन एनीवन हु वांट टू आस्क एनीथिंग एनी क्वेश्चन खैर ये छोड़ो पहले ये बताओ इजी लगा या टफ लगा रिलेशनशिप फर्स्ट लेट मी नो
इजी है, नथिंग, इसमें कोई कोड नहीं करना है एंड वी कैन कनेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। अभी पता है आपको यही कनेक्शन आपको जावा में अगर करना होता तो माइट बी सबने नाम सुना होगा ओरेकल में, एसक्यूएल का नाम सबने सुना है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सुना है सबने? यस यस यस। सो एसक्यूएल में हालांकि वो मैं पढ़ना नहीं है ऑब्वियसली, पता है वो तो बकवास मेरे को लगता है आज भी, फाइन। तो उसमें क्या होता है, आपके पास एक टेबल है, एक टेबल में डेटा है। अब इसमें डेटा कौन सा है, इसमें डेटा है आपके स्टूडेंट का। आपके पास एक दूसरा टेबल है जिसमें किसका डेटा है, ट्रेनर का। तो यहां तो हमने भी वही बनाया है, हमारे पास भी दो टेबल है, हमने भी सेल्स में दो अलग ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब क्या, दो ट्रेनर, एक ट्रेनर का टेबल है और एक स्टूडेंट का टेबल है। यही काम हमने भी सेल्स फोर्स में किया है, सी यही काम हमने भी किया, ये स्टूडेंट का टेबल है और ये ट्रेनर का टेबल है, यहाँ पे भी हमने वही किया है। लेकिन यहाँ एडवांटेज क्या है कि अगर आपको इन दोनों में रिलेशन बनाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, जॉइन का कॉन्सेप्ट, जॉइन एसक्यूएल, इनर जॉइन एसक्यूएल, आउटर जॉइन एसक्यूएल, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल है जो पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए आपको कोड लिखना पड़ेगा, ये जॉइंस के आप कोड लिखोगे तब जाके आप इन दोनों डेटा को कनेक्ट कर सकते हो। ये कुछ नहीं करना है सेल्सफोर्स में, विदाउट राइटिंग कोड, विदाउट राइटिंग इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट आउटर जॉइन, फुल जॉइन, ये कोई जॉइन यूज नहीं करना है। वी जस्ट हैव टू फॉलो लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल एंड सेल्फ। आप दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप किसी भी टेक्नोलॉजी में जो बन रहा है कोड से आप यहां बना सकते हो। दैट इज वॉट एडवांटेज गिवन बाई सेल्स फोर्स। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? कम ऑन, यस और नो? यस सर। यस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, अभी आपके पास सैटरडे संडे है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सबके स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में आएंगे, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। कम ऑन, यस और नो? यस सर। यस सर। इसके अलावा आई विल गिव यू वन मोर असाइनमेंट, ये आपके बेनिफिट के लिए है। ये जो आपका ऐप है ना GoIBU, आपको एक और ऐप बनाना है इनसाइड सेम सेल्सफोर्स, जैसे हमने रेडिकल के लिए बनाया है, आप एक ऐप और बनाओगे जिसका नाम क्या रखोगे, सेम GoIBU, ऐप का नाम होगा GoIBU, फाइन। उस ऐप के अंदर आपको दो तीन ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, लेट मी गिव यू द ऑब्जेक्ट नेम, कहां गया, लेट मी गो फॉर एडमिन पेज। सो हियर वी हैव द फर्स्ट पेज इज फॉर दिस फ्लाइट बुकिंग, यहां पे कि आपके पेज से कोई फ्लाइट बुक कर पाए, जहां पे आपका PNR नंबर जनरेट होगा फ्लाइट का, फ्लाइट टाइप क्या है आपका, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, वन वे राउंड ट्रिप, फ्रॉम विच सिटी टू विच सिटी वी आर ट्रैवलिंग, डिपार्ट डेट, रिटर्न डेट, नंबर ऑफ ट्रैवलर्स, कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर का नाम, कस्टमर का फोन नंबर एंड कस्टमर का ईमेल एड्रेस, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, वंस ही हैज फिल्ड ऑल द डिटेल्स, जैसे ही वो सेव करेगा एक PNR नंबर जनरेट होगा। जैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट करते स्टूडेंट में, वहां पे एक PNR नंबर जनरेट होगा, फाइन। तो गाइस दिस एप्लीकेशन यू हैव टू क्रिएट, सो लेट मी गिव यू एग्जाम, लेट मी गिव यू द, सो हियर यू हैव टू क्रिएट, जस्ट गिव मी, यू हैव टू क्रिएट एप्लीकेशन जिसका क्या नाम होगा, GoIBU, ऑब्जेक्ट्स दो या तीन ऑब्जेक्ट, हाँ तीन ऑब्जेक्ट होंगे, एक आपका होगा बुक फ्लाइट, दूसरा ऑब्जेक्ट होगा आपका बुक मील, ऑब्वियसली बात है जो फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा है वो मील ऑर्डर भी, मील भी ऑर्डर कर सकता है, राइट एवरीवन, यस और नो? और जो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है वो जहां भी डेस्टिनेशन जाएगा वो होटल भी बुक कर सकता है, बुक होटल, जैसे आप देखोगे ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन है ये चीज, और आप देखते हो GoIBU पे कहा गया, हियर वी हैव, सो यहाँ पे ऑप्शन है, फ्लाइट्स के हैं, होटल्स के हैं, ट्रेन के हैं, कैब्स के हैं, बस, हॉलीडे, सो मल्टीपल ऑप्शन हियर वी हैव। सो वैसे ही मुझे भी अपने सेल्सफोर्स में यूजर्स को मल्टीपल ऑप्शंस देना है, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग हियर कि एप्लीकेशन पे मेरे पास बुक फ्लाइट का ऑप्शन हो, बुक मील का ऑप्शन हो, बुक होटल का ऑप्शन हो। सो यहाँ पे आई हैव शोन यू, इट्स अ बुक फ्लाइट पेज, लेट मी शो यू अनदर पेज, सो आई कैन गो देयर एंड आई कैन गो फॉर हियर, सी होटल बुकिंग पेज, यहाँ होटल, होटल उसको कहाँ बुक करना है, इंडिया इंटरनेशनल, अगर वो इंडिया सेलेक्ट करता है, हियर वी हैव द लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज, अगर वो मुंबई में सेलेक्ट करता है, जैसे इसने मुंबई सेलेक्ट किया तो मुंबई के सारे होटल्स की लिस्ट आ जाएंगे, अगर वो पुणे सेलेक्ट करता है तो सारे पुणे के होटल्स की लिस्ट आ जाएंगे, पुणे होटल्स में चेक इन डेट, चेकआउट डेट,
कब उसने चेक इन किया, कब चेकआउट करना है उसको, कितने गेस्ट हैं, कितने नंबर्स ऑफ रूम उनको चाहिए, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दैट, ये जो अगर दो गेस्ट है एक रूम का प्राइस कितना है, राइट right? अगर उनके चेक इन और चेकआउट में दे इट्स ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड नॉट, इट्स अ वेज ब्रेकफास्ट, नॉन वेज ब्रेकफास्ट और इट्स अ बोथ, एंड देन टोटल का इंक्लूडिंग 12% जीएसटी इट शुड बी कैलकुलेटेड. सो डोंट वरी, आप मानता हो ये लास्ट वाली फील्ड कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बट एट द लिस्ट एटलीस्ट आप ये यूआई तो बना सकते हो. ओके एवरीवन, इज इट ओके फॉर होटल बुकिंग? कम ऑन. यस. एंड देन हियर वी हैव द रेस्टोरेंट. ऑब्वियसली बात है, जो बंदा फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है ही कैन बुक ए मील ऑल्सो. तो वहां पे कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, कौन सा फूड ऑर्डर कर रहा है, वेज या नॉन वेज. अगर वो वेज ऑर्डर करता है सारी वेज की लिस्ट होंगी, अगर वो नॉन वेज ऑर्डर करता है सारी नॉन वेज की लिस्ट होंगी. यहाँ पे प्राइस ऑफ द फूड पर प्लेट क्या प्राइस है, दैट्स इट, कितना क्वांटिटी उसको ऑर्डर करना है, एंड वंस यू क्लिक ऑन द सेव ऑटोमेटिकली दैट विल बी कैलकुलेटेड. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप पूरी फंक्शनलिटी बनाओ, बट एटलीस्ट यूआई तो आप बना ही सकते हो बिकॉज आपने यूआई बनाना सीख लिया. फाइन. सो दिस थ्री ऑब्जेक्ट्स आई वॉन्ट टू क्रिएट इट ऑन ए न्यू एप्लीकेशन, और जो नया एप्लीकेशन उसका नाम क्या होगा, गो आई बी गो एप्लीकेशन. जैसे हमने रेडिकल बनाया है वैसे ही गो आई बी बनाएंगे. सो गाइज करेंगे एवरीवन? कम ऑन. यस सर. डोंट वरी, ये सारा जो पेज है ना मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, ताकि आपको ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप सीधे व्हाट्सएप से यू आई देख के यू कैन डेवलप इट. Fine. So guys, now you have sufficient assignment for this weekend, and I'm expecting everyone to share your screenshot till Sunday evening. Sunday ke evening tak mujhe sabke screenshots WhatsApp group mein chahiye. Theek hai?